हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा जो है वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल को चलाने के पीछे का मकसद है बिहार के हर डेवलपमेंट को दिखाना, बिहार में क्या क्या है हर कुछ वो दिखाना जिसपे कि आपको एक बिहारी होने पर नाज हो। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि बिहार के इन सभी डेवलपमेंट्स को हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी दिखाती नहीं है। तो चलिए आज हम अपने वीडियो के थ्रू आपको दिखाने लेके जा रहे हैं बिहटा में बना हुआ एक शानदार सा इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम है NSIT बिहटा, फुल फॉर्म है इसका नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहटा। ये बिहटा के अमहारा में स्थित है। ये जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया जो है एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा की पढ़ाई होती है और इसका पूरा का पूरा कैंपस 11 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पे कैंपस के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो है वो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे जी मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा इनका अपना खुद का भी जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें भी बैठ के आप एडमिशन ले सकते हैं। और भी मैं आपको बता दूँ इनका खुद का भी अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें कि आप बैठ करके एडमिशन ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है इसके अंदर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इनका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा जो है कैंपस है। इनका अपना जो है लेबोरेटरी है, इनका अपना जो है वो कंप्यूटर लैब है, इनका अपना जो है वो बहुत बड़ा कैंपस है। और स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल भी है। उसके अलावा पटना और पटना के आसपास के स्टूडेंट्स के लिए जो है इनकी बस फैसिलिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमें बताएंगे कि अगले किस टॉपिक पे हम आपको वीडियो बना करके दिखाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे।